नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट में आप यहां पर देख सकते हो 2015 DR215। ये एस्ट्रॉइड यहां पर आप देख सकते हो 11 मार्च 6:41 पर सुबह, और इस जो आकार है ये आप इस एस्ट्रॉइड लिस्ट में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। 220 मीटर से लेकर 490 मीटर तक ये उल्कापिंड इतना बड़ा डायमीटर वाला हो सकता है, और इसका जो गति और इसका जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ही कम दिखाया जा रहा है इसमें। तो इसी एस्ट्रॉइड के बारे में हम जानेंगे, इसी एस्ट्रॉइड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लाइट ऑर्बिट इसे देखेंगे किस तरह से ये हमारी धरती की ऑर्बिट को क्रॉस करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट पीरियड और हमारे धरती का ऑर्बिट पीरियड, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का ऑर्बिट पीरियड, और बाकी सभी ऑर्बिट पीरियड हमने मूव कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से इन दोनों का डिस्टेंस आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने प्ले कर दिया हो, और ये एस्ट्रॉइड आगे बढ़ते हुए धरती और इस एस्ट्रॉइड के दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती जा रही है। जैसे जैसे ये अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ते हैं इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती जा रही है, और आखिर में यहाँ पर ये दोनों क्लोज अप्रोच होनेंगे। तो आखिर हम सिर्फ देखते हैं, सभी एंगल से देखेंगे कि ये कितने कम दूरी से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कम दूरी पर से गुजरेगा, वैसे इससे कम दूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हजारों खरब किलोमीटर पार करके इन एस्ट्रॉइड हमारी धरती के नज़दीक आते हैं। इनके लिए 10-20 लाख किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। इनके दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज होती है कि कुछ समय में ये फासला पूरा तय कर लेते हैं, और अगर इनकी दिशा में परिवर्तन होता है तो हमारी धरती के लिए खतरा बन जाते हैं। लेकिन इसी तरह अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ते हुए अगर आगे बढ़ते रहे तो ये हमारी धरती के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका और हमारी धरती के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। 10 या 20 लाख किलोमीटर दूरी से अगर कोई उल्कापिंड गिरता है तो वो कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि खरबों किलोमीटर क्रॉस करके ये अंतरिक्ष में खरबों किलोमीटर पार करके हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजरते हैं ये उल्कापिंड, और हमारी धरती पर ऐसे कई बार ऐसे उल्कापिंड गिरने से तबाही हुई है। आज से लाखों करोड़ों साल पहले भी डायनासोर इस धरती पर रहा करते थे, लेकिन ऐसे ही उल्कापिंड गिरने से उनका अंत हो गया था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये उल्कापिंड आगे बढ़ता हुआ अपने ऑर्बिट सफर के लिए निकल जाएगा। वैसे इसका जो ऑर्बिट है वो हमारी धरती के ऑर्बिट से भी कम है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस उल्कापिंड का आकार बहुत ही बड़ा है, 220 से 480 मीटर तक ये बड़ा है। इसका आकार ही वैज्ञानिकों को डरा है, और अगर छोटे उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो घर्षण से, हवा के घर्षण से ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसके ऑर्बिट को हमने देखा है किस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। दोस्तों ऐसे ही एस्ट्रॉइड से जुड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं।